नमस्कार दोस्तों, आज कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रांगण में हुई, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी द्वारा की गई, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और अन्य नेता मौजूद थे। आज कांग्रेस अध्यक्ष आपके बीच में इस देश में गरीबी परिवार को लेकर एक सबसे महत्वपूर्ण बात की चर्चा करने आए हैं। मैं बगैर विलंब से उन्हें अनुरोध करूंगा कि वो आपसे बात करेंगे। नमस्कार। पिछले 5 सालों में हिंदुस्तान की जनता को बहुत मुश्किलें सहनी पड़ी, खासतौर से जो हमारे गरीब लोग हैं उनको काफ़ी मुश्किलें सहनी पड़ी थी। तो अब हम कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को न्याय देने जा रहे हैं। न्याय जो हमारा मिनिमम इनकम गारंटी का स्कीम है, न्यूनतम आय योजना उसका नाम है, उसकी मैं डिटेल्स थोड़ी आज आपको बहुत खुशी से गर्व से देना चाहता हूं, क्योंकि ये शायद ऐतिहासिक ऐसा स्कीम, हिंदुस्तान को छोड़िए दुनिया में ऐसा स्कीम नहीं किया गया है। तो आपने काफी सवाल मुझसे पूछे हैं, जहां भी मैं जाता हूं युवा जनता, किसान, मजदूर मुझसे पूछते हैं ये आमदनी की लाइन, मिनिमम आमदनी की लाइन क्या होगी और इस स्कीम का स्ट्रेंथ क्या होगी, ये स्कीम मतलब कितने लोगों को मदद करेगा। तो मैं ये आपको, हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के गरीबों से कहना चाहता हूं, लाइन 12,000 रुपए महीने की होगी। हां, सरप्राइज हुए ना, शॉक हुए ना, मतलब इतना पैसा हिंदुस्तान में भाइयों और बहनों है। तो कांग्रेस पार्टी गारंटी करती है कि हिंदुस्तान के 20% से गरीब परिवार करती है कि हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को, शौक मत होना, अभी धमाका बढ़ने जा रहा है, 20% सबसे गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपए देने जा रही है। फिर से कहता हूं, साल में, एक साल में 20% सबसे गरीब परिवारों को, हर जात, हर धर्म, हर भाषा के गरीब परिवारों को 72,000 रुपए साल के उनके बैंक अकाउंट में सीधा डाल दिया जाएगा। अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों को पैसा दे सकते हैं, तो कांग्रेस पार्टी देश के सबसे गरीब लोगों को पैसा दे सकती है। अब आप याद रखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में मैंने वायदा किया था 10 दिन कर्जा माफ होगा। मैं आपको यहां वायदा कर रहा हूं, न्याय होगा, 20% परिवारों को, 20% परिवारों को साल का 72,000 रुपए मिलेगा। स्कीम फेज्ड बेसिस पे चलेगा, फेज तरीके से होगा, पायलट प्रोजेक्ट चलेगा, उसके बाद स्कीम चलेगा। मगर कांग्रेस पार्टी का वायदा है न्याय देने का। फिर से दोहराता हूं भाइयों और बहनों, देश के युवाओं, 72,000 रुपए साल के 20% सबसे गरीब परिवारों को, द इंटायर कैलकुलेशंस हैव बीन डन, द फिस्कल
repercussions of this have been analyzed. This money is perfectly available. This scheme is perfectly doable. We are going to deliver this scheme. Now, भाइयों और बहनों, प्रधानमंत्री आपसे कहते हैं कि उन्होंने किसानों को पैसा दिया 3.5 रुपए, 3.5 रुपए उन्होंने किसानों को दिए, वहां ताली बजी, ठीक है, सिंपल सी बात है, आपको गुमराह किया जा रहा है, आपको 3.5 रुपए दिए जाते हैं और प्राइवेट हवाई जहाज वालों को लाखों करोड़ रुपए दिए जाते हैं। हम अब आपको न्याय देने जा रहे हैं। नंबर याद रखिए, 20% सबसे गरीब परिवारों को 72,000 रुपए साल का। धन्यवाद। अब कोई सवाल हो? आई विल नॉट बी एबल टू टेक, नो नो, यू मिथिल, यू कांट, एक बात बच गई, 5 करोड़ फैमिलीज, 25 करोड़ लोगों को डायरेक्ट इस स्कीम का फायदा मिलेगा। यू कैन नॉट सी, यू कैन नॉट कंटिन्यू टू क्वेश्चन लाइक दिस, यू हैव टू वेट। नहीं नहीं, इफ 100, आई एक्सप्लेन इट। देखिए, मिनिमम इनकम लाइन 12,000 रुपए की है। जो मिनिमम इनकम लाइन और मिनिमम उनकी जो इनकम है उसका जो फर्क होगा वो सरकार देगी। तो मान लो आपकी अगर इनकम 6,000 की है तो जो 12,000 से आपका कम है इनकम उसको टॉप अप करेगी। आप लोग हैरान लग रहे हो, आज शौक लग रहे हो, है ना, थोड़ा ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ? भाई और बहनों, मैं आपको बता रहा हूं, याद रखिए, हर रोज आपसे चोरी की जा रही है, आपका पैसा लिया जा रहा है, हर रोज आपका पैसा लिया जा रहा है। हम अब आपको दिखाएंगे कि इस देश में आपका कितना है, क्या है, डिटेल्स डिटेल्स। हमने पूरा इसको, हम 4-5 महीने से स्टडी कर रहे हैं, दुनिया के बेहतर इकोनॉमिस्ट से हमने डिटेल्ड में एनालिसिस की है। ये फिस्कली प्रूडेंट स्कीम होगा, इसको हम फेजेस में करेंगे। डिटेल्स आप समझना चाहते हैं तो चिदंबरम जी और जो हमारी हमारी टीम इस पे काम कर रहे हैं वो आपको खुशी से डिटेल्स दे देंगे। जैनिंद, दैट विल बी कैलकुलेटेड, वी विल लेट यू नो द मैथ, बट वी हैव चेक्ड इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, इट इज फिस्कली परफेक्टली पॉसिबल। हमने आपको मनरेगा कमिट करके दिया था, हमने करके दिखा दिया, अब हम आपको न्याय कमिट कर रहे हैं, हम गरीबी को हिंदुस्तान से मिटा देंगे। जैनिंदर फ्रॉम एबीपी, जैनिंदर, नहीं आपने ठीक नहीं सुना, नहीं, परिवार में व्यक्ति में बहुत फर्क होता है, परिवार में 5 व्यक्ति होते हैं। हाँ, नहीं नहीं, वो काम कर रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान में सब लोग काम कर रहे हैं, हमारा सिर्फ कहना है कि आप काम कर रहे हो, अगर आपकी आमदनी 12,000 रुपए से कम है तो हम आपकी आमदनी को 12,000 तक पहुंचा देंगे, कोई काम बंद नहीं करेगा। जब वो व्यक्ति कंफर्टेबली निकल जाएगा 12,000 से, फिर वो स्कीम उसको सो इट विल स्टॉप ऑन इट्स ओन। बट हमारी फिलॉसफी है कि अगर आप हिंदुस्तान में आज एक मिनिमम इनकम से कम आपकी आमदनी है तो फिर आप गरीबी से निकल ही नहीं सकते हो। तो हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं इस देश में सबसे गरीब लोग कौन हैं और एक बार हम उनको गरीबी से निकालना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। तो ये एक प्रकार से मनरेगा फर्स्ट फेज था ऑपरेशन का। मनरेगा में 14 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकाला, अब ये सेकंड एंड फाइनल ऑपरेशन है। अब इस सेकंड फेज में हम 25 करोड़ लोगों को
गरीबी से निकाल देंगे, खत्म कर देंगे. आदिति फ्रॉम द ट्रिब्यून. इट इज ए एक्सट्रीमली पावरफुल, एक्सट्रीमली डायनामिक, एक्सट्रीमली वेल थॉट थ्रू आइडिया. वी हैव डन ऑल द कैलकुलेशंस, वी हैव आस्क्ड द बेस्ट इकोनॉमिस्ट्स, दे हैव ऑल बैक्ड अस ऑन दिस आइडिया, वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट दिस आइडिया. आदिति फ्रॉम द ट्रिब्यून, कैन यू प्लीज आस्क. I am not interested in answering any other questions today. This is a groundbreaking idea. One second. I am not going to say anything else. This is a groundbreaking idea. Ye aitihasik din hai. Hindustan pe final assault on poverty is now beginning. Mohit Dubey. Main nyay scheme par jo bhi aap mujhse puchna chahte ho aap poocho. Kal parso main aapka press conference karunga, phir jo dusre sawal aapne poochne aap pooch sakte ho. मोहित दुबे. मैं देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करता हूं, मैं तो करता हूं. हाँ नहीं वो लेंगे, मगर आज मैं सिर्फ न्याय की बात करना चाहता हूं. और हाँ देखिए, मैंने भाषणों में कहा कि इस देश का एक झंडा है, दो झंडे तो नहीं है, एक झंडा है. और प्रधानमंत्री जी की पॉलिटिक्स से दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अनिल अंबानी जैसा और दूसरा गरीबों का, किसानों का, युवाओं का. हमारे मैनिफेस्टो में शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. बहुत सोच समझ के, लाखों लोगों से बात करके हमने मैनिफेस्टो बनाया है. मगर हमने यह भी एक्सेप्ट किया है कि 21वीं सदी में हिंदुस्तान से गरीबी को मिटाना है, खत्म करना है. यह एक्सेप्टेबल नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए कि 21वीं सदी में इस देश में गरीब लोग मिले. तो हमने ये स्कीम नहीं है, ये अब गरीबी पर फाइनल असॉल्ट है. और हम दो हिंदुस्तान नहीं बनने देंगे, अमीरों का गरीबों का हिंदुस्तान नहीं होगा, एक हिंदुस्तान होगा और उसमें गरीबों की भी इज्जत होगी, अमीरों की भी इज्जत होगी, सबकी इज्जत होगी. तो ये फिलॉसफी ये है. अरुण सिंह Can you please ask question? देखिए आज मैंने न्याय की बात की, आप मुझे राफेल का सवाल पूछ रहे हो. मैं राफेल पे, इन चीजों पे आज बात नहीं करना चाहता हूं. आज मैं सिर्फ न्याय पे बात करना चाहता हूं. मैं ये कहना चाहता हूं कि दो हिंदुस्तान नहीं होंगे. वही बात जो 3.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ होता है, 15 लूंगा, वो सब्सिडी नहीं होती, ये सब्सिडी है. कैसे? रमन सिंह. नहीं, मैं नहीं महात्मा नहीं बनना चाहता हूं. मैं दो हिंदुस्तान नहीं चाहता हूं. मैं गरीबों को इज्जत दिलवाना चाहता हूं. मैं गरीबों के दिल में भावना डालना चाहता हूं कि हां, इस देश में हमें भी इज्जत मिलती है, इस देश में हमें भी भविष्य अपना दिखाई दे रहा है. इसलिए हम पूरे हिंदुस्तान को न्याय देने जा रहे हैं. आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. नमस्कार.